गाइस ये है एक जी शेप एलईडी वायरलेस चार्जर प्लस स्पीकर और ये एक लैंप भी है। आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है तो हमने सोचा हम भी इसे क्यों ना रिव्यू करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ में, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो गाइस ये इस तरह के बॉक्स में आता है, इसमें मल्टीपल आरजीबी कलर्स मिल जाते हैं, एफएम रेडियो देके रखा है, म्यूजिक भी सुन सकते हो आप इसमें, ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो जाता है, टीएफ कार्ड भी आप लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी आप लगा सकते हो, बैटरी भी है इसके अंदर। और बॉक्स के अंदर तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और उसके साथ में यूजर गाइड देके रखी है और एक चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। तो गाइस ये था बॉक्स के अंदर का सामान और अब आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो प्लास्टिक का मटेरियल है, यहाँ पर इतना स्टडी तो नहीं है बट हाँ फिनिश बढ़िया देके रखे हैं और यहाँ पर लाइट्स काफी कूल लगती हैं। पहले बटन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 बटन दिए हैं। सबसे पहले पावर बटन और लाइट कंट्रोलर देके रखा है। यहाँ पर 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट है सारे के सारे। ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो और इसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो पावर ऑन ऑफ हो जाता है। ये पावर ऑफ और पावर ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और पावर ऑन होते ही ऐसी एनिमेशन बनती है, काफी कूल लगती है। और नेक्स्ट बटन है यहाँ पर ब्लूटूथ का और इसमें एफएम रेडियो दे के रखा है, तो लॉन्ग प्रेस करोगे आप तो ब्लूटूथ मोड और एफएम मोड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सॉन्ग्स को आगे पीछे करना, वॉल्यूम अप डाउन करने के बटन्स भी देके रखे हैं और इसमें इनबिल्ड माइक भी है, आप कॉल भी सुन सकते हो इसके थ्रू। और यहाँ पर ये जो एरिया देके रखा है, यहाँ पर एक अंदर स्पीकर लगा है जिसकी आउटपुट मैं आपको सुनाऊंगा। और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ऑक्स केबल भी लगा सकते हो और यूएसबी भी लगा सकते हो, टीएफ कार्ड भी आप लगा सकते हो और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देके रखा है। टाइप सी पोर्ट अच्छी बात है। तो अभी मैंने इसे ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर लिया है तो आपको सबसे पहले इसकी ऑडियो सुनाता हूँ। देखो गाइस ऑडियो तो काफी लाउड है और यहाँ पर ऑडियो सिंक की ऑप्शन भी है, एलईडी लाइट से यहाँ पर ऑडियो सिंक भी हो जाती है, तो जब आप गाना प्ले करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइट भी चलेगी। तो गाइस अभी ऑडियो सिंक वाला मोड मैंने ऑन कर दिया एलईडी लाइट्स का। और इसी तरह से और भी काफी सारे मोड है यहाँ पर इस एलईडी लाइट में, इस लैंप में। अभी गाइस मैंने थोड़ी लाइट्स कम कर दिए, अब देखो आप इस लैंप को बढ़िया से। गाइस मेरे हिसाब से आप ईयरफोन यूज करना स्पीकर के ऑडियो का अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि मैं माइक थोड़ा पास लेके जा रहा हूँ इसके। टू डोर च बैठाया जो सिराया सिराया ओ पूरी टोर। ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो जिस प्राइस पे ये मिल रहा है उस हिसाब से तो मुझे बढ़िया लगी। इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप प्राइस भी देख लेना और डिस्काउंट कोड मिलता है तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो दो फीचर तो मैंने बता दिए, एक तो ये लैंप लाइट वाला और दूसरा इसका स्पीकर का। और तीसरा आप बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग की, वायरलेस चार्जिंग में भी यहाँ पर 15 वाट की आउटपुट हमें मिल जाती है। तो आईफोन को चार्ज करके देखते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको बता दूं आपको केबल के साथ यूज करना पड़ेगा तभी आप वायरलेस चार्जिंग यूज कर पाओगे। बैक साइड में आपको टाइप सी केबल को कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो वायरलेसली। मैंने अपना फोन रख दिया और ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये आईफोन 12 है, मैक्स सेफ वाला ये केस है तो इसके साथ में चार्ज हो गया। और दूसरे आईफोन को हम एक काम करते हैं बिना केस के देखते हैं चार्ज करके। तो ये मैंने बिना केस के लगा दिए यहाँ पर। तो राइट गाइस ये भी चार्ज हो रहा है। तो हाँ वायरलेस चार्जिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो हमारे बेड के पास में जो टेबल रहता है ना उसके ऊपर अगर आप इसे रखोगे तो वहां पर ये काफी बढ़िया रहेगा। एक तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, ऊपर से आपका लैंप का काम भी कर रहा है, देखने में काफी सुंदर लगता है। और तीसरा आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। और इसमें TWS फीचर भी है, मतलब अगर आपके पास सेम ही एक और है दोनों को आप एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हो और दोनों में सेम टाइम पर सेम म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो। मतलब एक को आप एक कोने में रख दो, दूसरे को आप दूसरे कोने में रख दो, आपको एक बढ़िया सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो गाइस प्रोडक्ट तो बढ़िया है, अगर आपने भी खरीदना है तो इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो मैंने तो इसे लिया था 1499 में, बाकी ठीक ही लगी मुझे इसकी क्वालिटी। बाकी आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इसे खरीदना चाहोगे या फिर नहीं। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।